क्या नाम है आपका और किस पार्टी से आप हैं? मेरा नाम मंजू वर्मा है और मैं भारतीय हित रक्षक पार्टी के मैं राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाई गई हूँ। तो आप मतलब पार्टी के लिए क्या कर रही हैं और आगे 2022 में आपकी पार्टी चुनाव के लिए मैदान में आएगी? बिल्कुल आएगी। हमारी भारतीय हित रक्षक पार्टी उन्नाव विधानसभा के सब चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप महिलाओं के लिए क्या सोचा आपने? महिलाओं के लिए मैंने ये सोचा है, जो आज के समय में महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बाद भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं भारतीय हित रक्षक पार्टी में शामिल होकर उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, आवाज़ उठाऊंगी और महिलाओं को जागरूक करेंगे कि अपने लिए और अपनों के लिए महिलाओं के लिए आवाज़ उठाएँ और मेरे साथ आएँ। जैसे बहुत सी महिलाएँ जहेज के लिए या और भी उत्पीड़न उनके साथ होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जला के मार दी जाती हैं जी, और उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो पाता है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके साथ जो इंसाफ नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले हमें महिलाओं को जगाना होगा अपने अधिकारों के लिए, और जब तक महिला खुद नहीं जागेगी, अपने अधिकारों को नहीं समझेगी, तब तक उनके साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। इसलिए मैं मंजू वर्मा सबसे आप सबसे महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपने बारे में सोचिए समझिए और अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए।